अच्छा सहयोग है कि हमारे साथ दो नए रचनाकार मौजूद हैं, और मुझे मतलब नएपन पे मतलब कुछ पंक्तियां याद आ रही है कि हर नया फूल नई गंध लिए आता है। क्या बात है। हाँ। हर नया फूल नई गंध लिए आता है, हर भ्रमर नव्य प्रणय बंध लिए आता है, नए विचारों को रुस्ता ना पुराना माना, हर नया काव्य नया छंद लिए आता है। तो अपना नया तेवर और नया अंदाज के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ, हमारे बीच मौजूद है कवित्री सुषमा पटेल जी, आमंत्रित है काव्य पाठ के लिए। मैं सुषमा पटेल आकाशवाणी के समस्त श्रोताओं को हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। माँ शारदे को नमन करते हुए अपनी स्वरचित रचना शीर्षक प्रेम मिलन प्रस्तुत करती हूँ। मेरी इस कविता में नायिका प्रकृति के विभिन्न रूपों में नायक से मधुर मिलन की परिकल्पना में प्रकृति के प्रत्येक स्वरूपों में अपने प्रियतम से प्रेम मिलन की कामना करती है और कहती है, कितना सुंदर होगा मिलन, कितना सुंदर होगा मिलन गर तुम बादल बनकर आओ, कितना सुंदर होगा मिलन गर तुम बादल बनकर आओ, मैं वर्षा बन मिल मिल जाऊं तुम पुरवाई बन मुस्काओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गर तुम सूरज बनकर आओ मैं सतरंगी आभा फैलाऊं, इंद्रधनुष के रंग बन जाओ तुमसे मिलकर अंबर सजाऊं, तुम चांद बन छत पर आओ, तुम चांद बन छत पर आओ मैं चांदनी बन नूर फैलाऊं, संगीत के सुर बन जाओ। क्या बात है। संगीत के सुर बन जाओ मैं धुन में पायल छनकाऊं, सात सुरों के तान छेड़ दो, सात सुरों के तान छेड़ दो सरगम बन मैं साथ निभाऊं, तुम उपवन बन जाओ सुमन बन मैं खिल खिल जाऊं, तुम भ्रमर बनकर आओ, तुम भ्रमर बनकर आओ मकरंद बन मैं साथ निभाऊं, प्यार का इजहार करो तो, प्यार का इजहार करो तो दर्दे दिल की दवा बन जाओ, प्रेम समंदर बन जाओ तो, प्रेम समंदर बन जाओ तो मैं इश्क की दरिया बहाऊं, प्यार भरा दिल बन जाओ मैं दिल की धड़कन बन जाऊं, कितना सुंदर होगा मिलन गर तुम बादल बनकर आओ, मैं वर्षा बन मिल मिल जाऊं तुम पुरवाई बन मुस्काओ। प्यार का राग सुनाओ, आगे नायिका कहती है, प्यार का राग सुनाओ मैं अल्फाज संग साथ निभाऊं, गर तुम चंदन बन जाओ सुगंध बन मैं रूह महकाऊं, ऐसी लागी लगन प्रेम से प्रेम रतन धन मैं पाऊं, पल पल प्रतिपल संग संग, ऐसी लागी लगन प्रेम से प्रेम रतन धन मैं पाऊं, पल पल प्रतिपल संग संग सुख दुख साथ निभाऊं, देख पिया का अनुपम प्रेम, देख पिया का अनुपम प्रेम हर्षित होकर प्यार लुटाऊं, सुषमा सुरभित बगिया की, सुषमा सुरभित बगिया की पुष्प बन मैं प्रीत निभाऊं, बहुत सुंदर। गर तुम सुंदर पल बन जाओ, गर तुम सुंदर पल बन जाओ मैं उनमें शामिल हो जाऊं, मैं उनमें शामिल हो जाऊं, मैं उनमें शामिल हो जाऊं। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छा। अब मेरी दूसरी रचना है, नारी और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों के अपने अपने उत्तरदायित्व हैं, दोनों को एक दूसरे का संबल बनना है ना कि प्रतिद्वंदी, कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है और प्रगति पथ की ओर आगे बढ़ना है। इन्हीं भावों के साथ अपनी सुरचित रचना आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। शीर्षक है आज की नारी। स्वागत है। आज की नारी। नारी को तुम अबला कहते हो, नारी को तुम अबला कहते हो मैं कहती हूँ गलती करते हो, नारी को तुम अबला कहते हो मैं कहती हूँ गलती करते हो, नारी है तो सृष्टि की कल्पना साकार है, नारी है तो सृष्टि की कल्पना साकार है, नारी ही दया करुणा शक्ति की अवतार है, उम्मीदों का आसमां बाहें फैलाए खड़ा है, उम्मीदों का आसमां बाहें फैलाए खड़ा है, फिजा इंद्रधनुष के सतरंगी रंगों से भरा है, दृढ़ संकल्प साथ लेकर आगे ही आगे बढ़ो, दृढ़ संकल्प साथ लेकर आगे ही आगे बढ़ो, कारवां साथ चलेगा पीछे मुड़कर मत देखो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धरा से आसमां तक है संघर्षों का सफर जारी, धरा से आसमां तक है संघर्षों का सफर जारी, वर्षों बाद आई अब हम सब महिलाओं की बारी। बहुत बढ़िया। कहती सुषमा भर लो तुम अपने जीवन में रंग, कहती सुषमा भर लो तुम अपने जीवन में रंग, नारी अब अबला नहीं, नारी अब अबला नहीं, सफल हो जीत रही हर जंग। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सुषमा जी आपकी रचना में
कल्पना तो है ही, तात्विकता का भी बोध है, मैं बधाई देता हूँ आपको और बेहतर लिखे आप। आपने दो बात की, चांद के माध्यम से भी कहा और आपने नारी की बात भी की, तो मुझको नारी पर कुछ पंक्तियां याद आ रही कि सूखी धरती की छाती को नम करती है, सहलाती है गंगा, अपना मार्ग बदल दे तू भी गंगा कहलाती है। वाह, चांद की तरह, तो चांद सौंदर्य का प्रतीक भी है, तो आपने चांद तो बड़ा अच्छा वो अपनी वानगी प्रस्तुत की कि गिरते गिरते संभलने लगा चंद्रमा, देखकर तुमको चलने लगा चंद्रमा, वैशियत की भी हद होती है दोस्तों, रात को ही निकलने लगा चंद्रमा।